25. अस्सलाम वालेकुम, मैं सारेम बलोच। पिछले 72 सालों से बलोच कौम और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग की सी कैफियत ही रही है। बलूचिस्तान में 5 फौजी ऑपरेशंस, हज़ारों लापता अफराद, हज़ारों मसखशुदा लाशें, चागी में एटमी धमाके और उससे पैदा होने वाली ताबकारियाँ, बलोच साहिल पर कब्ज़ा, सुई गैस, संग मरमर, तांबा, सोना और दीगर कई मादनियात की जोर शोर से लूटमार के बाद अब ग्वादर, जो इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक खित्ता समझा जाता है, वहाँ बाढ़ लगाकर मकामी आबादी को इलाका बदल करके पूरे इलाके को चीनी मफादात की तहफ़ के लिए इस्तेमाल करने का एक इंतहाई वहशतनाक इस्तेहसाली मंसूबे पर काम जारी है। दूसरी तरफ बलोच भी पाकिस्तानी रियासत के तमाम जुल्म जबर के बावजूद गुज़िश्ता 72 सालों से अपने साहिल वसाइल की हिफाजत और कौमी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। तारीख गवाह है कि गुज़िश्ता 72 सालों में शायद ही कोई लम्हा बलूचिस्तान में ऐसा गुज़रा हो जब बलोच कौम को रियासती जबर का सामना न करना पड़ा हो, या फिर बलोच फर्जिंदों ने जो है कौमी मफादात की तहफ़ के लिए मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार न किया हो। ऐसा क्यों है कि बलोच सरमचार रियासत जो पाकिस्तानी फ़ौज है और रियासती इदारे हैं उन पर हमला करते हैं? ऐसा क्यों है कि बलोच सरमचार पाकिस्तानी फ़ौज के मुकम्मल इनखला तक जंग जारी रखने के अज़म का इरादा बार बार करते नज़र आते हैं? ऐसा क्यों है कि बलोच सरमचार रियासत से बात नहीं करते, और अगर मुज़ाकरात करने की बात करते भी हैं तो कहते हैं हम पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जब वो मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान के सरहदों से बाहर निकल जाएगा और बलोच एक आज़ाद कौम की हैसियत से उनसे बातचीत करेगी? तो ये इस सारे मामले को जानने और समझने के लिए माजी को छानने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ इसी एक साल के अंदर, जो इसी एक साल में बलूचिस्तान में हुए रियासती मजालिम का जो मंजरनामा देखा जाए तो सब कुछ आया हो जाता है। बलूचिस्तान जहां इंसानियत भी शर्मसार है, जहां ब्रम्श, मलिकनाज, कुलसूम और हयात बलोच समेत हज़ारों लोग रियासती जबर का निशाना बने हैं, तो वहीं बलोच तलबा पर भी जुल्म वहशत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबकि रियासत के हाथों बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन को डराया धमका कर, उन्हें जो है डरा धमका कर खामोश किया जाता है, फिर उन्हें झूठी तसल्लियों से टरखाया जाता है, फिर अब जो सबसे बदतरीन और इंसानियत से आरी काम किया जा रहा है वो काम ग्वादर में बाढ़ लगाने का है, जिसके ज़रिए ग्वादर के मकामी आबादी को नौआबादकार अपने ग़ुलामों के तौर पर रखने की साजिश कर रही हैं। ऐसा इंसानी तारीख में पहले भी बहुत सी जोरावर रियासतें ताकत के नशे में धुत होकर कर चुके हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि बाढ़ लगाकर इंसानों को तकसीम या कैद करने वालों का अंजाम एक ही हुआ है कि शऊर आने पर मकामी बाशिंदों ने उन्हें बाढ़ समेत अपनी धरती से उखाड़ फेंका है। वियतनाम में अमेरिका और एंगोला में पुर्तगाल की मिसालें हमारे सामने हैं, और बलूचिस्तान में भी नौआबादकारों का यही अंजाम होगा, जो एक अटल हकीकत है। ज़रम्बेश।